और नगर स्वास्थ्य अधिकारी ओपी गौतम ने सुबह से लेके और रात के अंधेरे तक चलाया अतिक्रमण अभियान। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं दिन का नजारा। और कोतवाली पुलिस की निगरानी में मोहल्ला अजीजगंज में चला अतिक्रमण। आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों को छोड़ के जो रोड पटरी पर थे उनको अतिक्रमण ने निशाना बनाया बाखूबी। आप देख रहे हैं अजीजगंज का नजारा, हम आपको दिखा रहे हैं अजीजगंज में अतिक्रमण चला, जेसीपी गर्जी। और आपको बता दें, हम आगे दिखाएंगे आपको कि कुछ लोगों ने धर्मशाला को लेकर आपत्ति की, धर्मशाला क्यों नहीं गिराया गया, ये देखिए आप देख रहे हैं बाखूबी। लोगों ने आपत्ति की, धर्मशाला क्यों नहीं गिराया गया, इस पर कह रहा था कि धार्मिक स्थलों को नहीं छुआ जाएगा। हालांकि आपको बता दें, पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने समझाया कि धार्मिक स्थलों को नहीं छुआ जाएगा, धार्मिक स्थल के अलावा जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाएगा, लेकिन इस पर भी वो नहीं माने तो पुलिस ने आके अपने अंदाज में समझाया। और जब क्षेत्रवासियों ने भाप लिया कि अब पुलिसिया अपने अंदाज में समझाने वाली है तो फिर माने और टीने हटाना चालू करी। और इसी बीच आपको बता दें कि अतिक्रमण की कार्यशैली जारी थी कि नेताजी आ गए शराब के नशे में। और जिन लोगों ने भाप लिया कि अब जेसीपी से नहीं बच पाएंगे, उन्होंने अपना अतिक्रमण खुद हटाना चालू कर दिया। और अब हम दिखा रहे हैं आपको रात का नजारा। ओपी गौतम नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ने बाखूबी निभाई अपनी जिम्मेदारी और रात के अंधेरे तक चला अतिक्रमण अभियान। और आपको बता दें कि जो बचा हुआ है उसको सुबह से फिर चलाया जाएगा। और अब हम दिखाएंगे आपको नगर स्वास्थ्य अधिकारी ओपी गौतम ने किस अंदाज में दिशा निर्देश जारी किया। हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक को उन्होंने 3 दिन का समय और दिया और क्या कहा सुनवाते। वो बंद है सर, सर ये बगल वाला किसको खोका है, ये बगल वाला किसको आज सब बात छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन वाली बात थोड़ी होती है, नहीं मार्केट वाले आज आई नहीं जितना। और बाखूबी आप देख रहे हैं ये नजारा गर्रा फाटक पर का है, हम आपको दिखा रहे हैं जो अतिक्रमण वहां पर था उसको हटवाते हुए क्या क्या दिशा निर्देश दिए ओपी गौतम ने, हम आपको भरपूर दिखा रहे हैं। नोटिस भी जा चुकी है कई बार, उसके बावजूद ये लोग नहीं हटा रहे हैं। जो जो है ये पूछा कि पता किया किसका खोखा है, ये वाला और अब हम दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप के मालिक को 1 महीने का समय देने के बाद उन्होंने 3 दिन का और समय दिया। हमारी सफाई 1 महीना हो गया, ये बताइए 1 महीना हो गया आपको, 1 महीना हुआ या नहीं पहले इस बात को स्वीकार करिए। आपको इंटीमेट किए 1 महीना हो गया, तो 1 महीना 1 महीने के बावजूद भी आपने वहाँ से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया। एक महीने पहले से आप, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को कार्रवाई करने के लिए। चलिए 3 दिन का आपको समय देते हैं, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा दोबारा फिर उस जगह जाएंगे जिस जगह लोगों ने वादा किया और अतिक्रमण नहीं हटाया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे हर नई खबर पहुंचे आपके पास।